चलिए देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है यार, मॉक टेस्ट है 3। तो मॉक टेस्ट आप लोग डेली की डेली दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए डेली पर डे एक वीडियो डालता रहता हूँ। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे NTPC ग्रुप डी के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या बना उसको हम देखते हैं। जो भाई लोग यार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, जो यार अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट करें और शेयर जरूर कर दिया करें। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है, बट मैं इससे पहले जो क्वेश्चन वीडियो आया था उसका जो कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन था, उस कमेंट वाले क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मतलब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, एक कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन था, किस देश के नोटों पर भगवान गणेश की फोटो है? रूस, भूटान, मलेशिया या इंडोनेशिया? मैंने इस क्वेश्चन को किया था, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे? 2000 फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 20,000 के नोट चलते हैं इंडोनेशिया में, वहाँ पर गणेश, भगवान गणेश की फोटो है। ठीक, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र उद्योग। तो सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है फ्रेंड्स? तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। महानदी तो जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ठीक, तो इसे आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? ऑप्शन आप लोग देखिएगा। तो थर्ड का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल की दोस्तों राष्ट्रीय पशु गाय है। ठीक, चौथा प्रश्न क्या बनना है, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है फ्रेंड्स? तो चौथे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। पांचवें प्रश्न में हम चलते हैं, बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कौन जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, पांचवें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दोस्तों है बिहार के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, बिहार में। तो सिक्स क्वेश्चन क्या है, हिंदू पेट्रियट के संपादक इसमें से कौन थे? तो छठवें का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हरीश चंद्र मुखर्जी। सातवां प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई। 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आठवें प्रश्न हम चलते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आठवें का ऑप्शन नंबर बी, चंबल और साबरमती। नौवें प्रश्न में चलते हैं, कौटिल्य द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की दोस्तों रचना की गई थी। आज के लास्ट क्वेश्चन है यानी अंतिम क्वेश्चन में हम चलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को दोस्तों सौंपते हैं। आज के कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन को दिया करें, मतलब कि उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया करें। ठीक, जिस भाई को मालूम हो वो तो बताएगा ही। ऐसा कौन सा सागर है जिसमें मछली नहीं होती है? ऐसा कौन सा सागर है जिसमें मछली नहीं होती है? मृत सागर, अरब सागर, बल्लभपंत सागर या कोई नहीं? तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।